देख रहे हैं अनुपम सिंह के साथ इंडिया समाचार। फोटो अतरौलिया। लखनऊ से आजमगढ़ पूर्व मंत्री उत्तर प्रदेश वसीम अहमद के इंतकाल के बाद परिजनों को ढाढ़स बनाने जाते समय उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आजमगढ़ के लोकसभा सदस्य अखिलेश यादव का अतरौलिया स्थित निरीक्षण भवन में क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर संग्राम यादव एवं पूर्व प्रमुख चंद्रशेखर यादव के नेतृत्व में जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को फूलमाला पहनाकर पूरे उत्साह के साथ जोरदार स्वागत किया। अतरौलिया डाक बंगले में 7:35 पर पहुंचे लगभग 25 मिनट रुके अखिलेश यादव ने केंद्र विभाग एवं राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला। इस दौरान पत्रनिधियों से वार्ता करते हुए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भारत सरकार द्वारा पारित 3 कृषि कानून के खिलाफ दिल्ली में किसानों के आंदोलन को लेकर उन किसानों को बधाई दी। केंद्रीय एवं प्रदेश की सरकारों पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि आज किसान केवल न्यूनतम समर्थन मूल्य मांग रहा है, लेकिन केंद्र सरकार किसानों का शोषण कर रही है। केंद्र की सरकार को केवल पूंजीपतियों की चिंता है, किसान हित की बात करना उनकी केवल दिखावा है। सर्दी के समय में किसान लाठी खा रहा है, किसान अपना हक मांग रहा है, लेकिन सरकार वह भी नहीं दे रही है। बिजली के बिल एवं डीजल का मूल्य बेतहाशा बढ़ रहा है, किसानों को गन्ना मूल्य का भुगतान नहीं हो रहा है, धान बेचने में पूरी तरह से अराजकता है, लेकिन सरकार किसानों की आय दुगनी करने की बात कर रही है। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री उत्साहित कार्यकर्ताओं से उत्साहित होकर कार्यकर्ताओं के बीच में जाकर बैठे एवं फोटो भी खिंचवाई। नगर पंचायत अध्यक्ष सुभाष चंद्र जायसवाल की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि इन्हें चुनाव जिताने के लिए मैं अतरौलिया की गली गली में घूमकर लोगों से वोट देने की अपील किया हूँ, इसलिए अतरौलिया को कभी भूल नहीं सकता। कहा कि चुनाव आते हैं और जाते हैं, लेकिन यहाँ से जो रिश्ता वह अनवरत रहेगा। इस मौके पर विधायक डॉक्टर संग्राम यादव, पूर्व प्रमुख चंद्रशेखर यादव, पूर्व जिलाध्यक्ष अखिलेश यादव, चेयरमैन सुभाष चंद्र जायसवाल, नरेंद्र नाथ यादव, राधेश्याम लीडर, चंद्रजीत यादव, शीतला प्रसाद निषाद, जगदीश पांडे, पिंटू यादव, सचिन जायसवाल, कमला यादव, राधेश्याम यादव, पप्पू यादव, संजय मिश्रा, आशीष यादव, ओमकार यादव, राजू पांडे, रामचरण यादव, रामचंद्र वर्मा सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। आइए चलते हैं हमारे संवाददाता अतरौलिया से चंद्रेश यादव की खास रिपोर्ट पर। बिल कितना महंगा दे रहे हो? डीजल महंगा हो गया, जरूरत सब महंगी हो गई, कोई व्यवस्था नहीं बना पा रहे, और जो व्यवस्था खराब हो गई। देखिए बहुत लंबी बात कर सकते हैं, हम किसानों को बधाई देंगे जो आज धरने पे बैठ गए और कम से कम MSP को मांग रहे हैं, और हम समाजवादी लोग ये कहते हैं कि हमें वो MSP चाहिए जिसमें आय दोगुनी हो जाए। भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं बताती कि वो MSP कब मिलेगी जब जिसमें आय दोगुनी हो जाए, और फिर रोजगार का सवाल आप सब का सवाल। जब तक देश तरक्की के रास्ते में नहीं जाएगा, ना रोजगार मिलेंगे ना नौकरी मिलेगी। मुझे खुशी इतने लोग मोबाइल वाले हैं, लेकिन मैं एक ही निवेदन करूँगा, वहीं रहोगे जैसे बैठे हो वैसे ही रहोगे तो हमारे साथ सबकी वोट आ जाएगी। अगर डिस्टर्ब हो गए, अगर थोड़े भी डिस्टर्ब हुए तो वही चला जाएगा, फोटो नहीं है वैसे ही खड़ा रहेगा, फोटो आ जाएगी। ठीक है, अगर कुर्सी आगे वही खड़े बैठे वही रहो, वही खाली कर दो, नहीं कोई 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 हटा नहीं। और हमारे कैमरे का कमाल देखो, अपनी जगह पे चल लेना, एक भी गैप नहीं होगा, जो गैप वो इसके नाम होता है।